जबलपुर शहर में हाल ही में बनी सड़क बारिश में उखड़ने से नाराज नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने बैलगाड़ी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रामपुर से ग्वारीघाट तक बनी लगभग 7 करोड़ की सड़क इस साल की बारिश भी झेल नहीं पाई और उखड़ गई। सड़क उखड़ने से रोजाना सुबह शाम ग्वारीघाट आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अम्बरीश मिश्रा ने बादशाह हलवाई से ग्वारीघाट तक बैलगाड़ी निकालकर नगर निगम महापुर की शहर को महानगर बनाने वाली घोषणा की पोल खोल दी है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हाल ही में नगर निगम का 1500 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। बजट में ढेर सारे वादे किए गए थे, आज उन वादों की उखड़ी हुई सड़कों ने पोल खोल दी है। कांग्रेस पार्षद दल और शंकरशाह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में बादशाहलाई मंदिर से गौरीघाट तक हमने बैलगाड़ी यात्रा निकालकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। ये 7 करोड़ की राशि की सड़क नगर निगम ने एक साल भी नहीं चली। आप देख सकते हैं कि आम जनता जो टैक्स की मोटी कमाई अपनी कमाई से मोटी रकम देती है टैक्स के माध्यम से कि हमारा विकास कार्य शहर में होगा, हमें अच्छी सड़कें मिलेंगी, हमें नगर निगम की हर व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे हमको सुचारू रूप से चलने में रहने में आसानी हो, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार नगर निगम में हमारे महापौर के राज में वो प्रचंड हो चुका है कि आज आम जनता की टैक्स की राशि को कैसे बंदरबांट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौरीघाट की रोड। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम धार्मिक कार्यों में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं, जहाँ धार्मिक स्थल हैं उनके हम उन्नयन कराएंगे, विकास कार्य कराएंगे, और आप सड़क देखिए जहाँ रोजमर्रा नर्मदा के हज़ारों लोग दर्शन करने जाते हैं, उस सड़क की आप स्थिति देख सकते हैं कितनी क्षतिग्रस्त हो गई है, वो रिपेयर होने की भी स्थिति में नहीं है। लेकिन नगर निगम के महापौर हमारे जो सदन में बड़ी बड़ी घोषणाएँ करते हैं, कहते हैं 1500 करोड़ रुपये में हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, शहर को महानगर बताएंगे, क्या हमारी 7 करोड़ की राशि जो शहर का सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल है जहाँ हज़ारों लोग आते हैं, अब उस सड़क को तो ठीक से नहीं बनवा पाए, अब शहर को क्या महानगर बनाएंगे महापौर हमारे शहर के? ये झूठी घोषणा करना बंद करिए। कांग्रेस पार्षद दल शहर की हर खस्ताहाल सड़कों में जो तुरंत बनी हुई है, एक साल या 6 महीने में बनी हुई है, और उनकी स्थिति ये हो चुकी है जो चलने लायक नहीं है, उस राशि की रिकवरी कौन करेगा, इसकी कौन तय करेगा व्यवस्थाएँ कि किसके निर्देश पर सड़कें बनी हैं, किस ठेकेदार ने सड़कें बनाई हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पूरी नगर सत्ता भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके निर्देश पे उनके मार्गदर्शन में काम होता है, उनको सब जानकारी होती है कि सड़क की कितनी समय सीमा है, कितना इसका जीवन है, कितना ये चल पाएगी। लेकिन हमारे महापौर सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं, कांग्रेस पार्षद दल इसका विरोध करता है, और आने वाले समय में हम नगर निगम की वृहद स्तर पर घेराव कर तालाबंदी करके अपना उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि अभी 4-5 दिन पहले नगरीय निकाय मंत्री हमारे कैलाश विजयवर्गीय भी गौरीघाट आए थे कांवड़ यात्रा में, लेकिन उनको भी इधर दशा नहीं दिखी है। एक तरह नगरीय मंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं, पीडब्ल्यू मंत्री जी भी यहाँ पर, उनका गृह क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है, और महापौर भी बीजेपी के हैं, तो आप नहीं देख सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 7 करोड़ की सड़क 7 महीने नहीं चल रही है, कितने साल श्रद्धालुओं के साथ आप छलावा कर रहे हैं, आपको यही जनता ने आपको अपनी सीट पर बिठाया कि हमें आप सही सड़क मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे। अगर आप उनको सड़क प्रदान नहीं कर, एक अच्छी सड़क प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो आपको सीट पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पीडब्ल्यू मंत्री के हालात में ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने गृह क्षेत्र में जो हालात हैं, तो मध्य प्रदेश में आप क्या सड़क बनाएंगे? मैं कहना चाहता हूं कि मैं पीडब्ल्यू मंत्री जी से और महापौर जी से जल्द सड़क की दुर्दशा का सुधारिए, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता का एक एक सिपाही यहां की पूरी गिट्टी उखाड़ कर आपके कार्यालय में फेंकने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। प्रमोद पटेल, शंकर सबला।